दोस्तों, दाबेली तो आपने बहुत जगह ट्राई की होगी, लेकिन आज हम आपको लेके आ चुके हैं जहाँ से दाबेली बनना स्टार्ट हुआ। हाँ जी, आज हम आ चुके हैं कच्छ में, कच्छी दाबेली ट्राई करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम आ चुके हैं कच्छ में मांडवी डबल रोटी, जो है ऑलमोस्ट 45 ईयर्स ओल्ड शॉप, और ये हम आज यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं यहाँ के डिलीशियस दाबेली। तो भाई, यहाँ पे ना सिर्फ 10 रुपये में दाबेली मिलती है, जो कि सालों से 10 रुपये में मिलती है और अभी भी 10 रुपये में मिलती है। यहाँ पे रोज़ाना 500+ दाबेली सेल होती है। और भैया की स्पीड का तो आपको अंदाज़ आ ही गया होगा कि किस स्पीड में बन रही है दाबेली और कितने सारे ऑर्डर्स हैं। भाई, जिस स्पीड में काम हो रहा है ना, एक साइड बन कट हो रहा है, एक साइड चटनी और मसाला लग रहा है, और दूसरी साइड पैकिंग हो रही है। तो दोस्तों, दाबेली का ओरिजिन ही कच्छ का है, आपको पता ही है। तो दाबेली बनती कैसे है, तो एक बन लिया जाता है, उसमें इमली की चटनी और गार्लिक की चटनी लगाई जाती है, पोटैटो और स्पेशल कच्ची मसालों का मिक्सचर इसमें स्टफ़ किया जाता है, और पीनट्स और टूटी फ्रूटी डाल के कोल्ड ही सर्व होता है। बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप कच्छ में विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आके दाबेली ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। तो भैया, एक बार हमें आपकी शॉप का लोकेशन बता दो। यहाँ भुज के बस स्टेशन है, जो भुज सिटी का बस स्टेशन, उसके बाहर ही हमारी शॉप है मांडवी डबल रोटी। अच्छा, तो भाई आप अगर भुज में आते हो, भुज बस स्टेशन के बिल्कुल सामने आपको जगह मिल जाएगी। हम भी एक दाबेली टेस्ट कर लेते हैं। तो भैया, हमारे लिए भी एक दाबेली बना देना। तो भाई, सिर्फ 10 रुपये प्राइस है इसकी, और एक बार में आप 2-3 दाबेली तो आराम से खा सकते हैं। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप एक बार में कितनी दाबेली खा सकते हैं। तो भाई, यहाँ पे हमारी दाबेली रेडी हो चुकी है। ये गया इसमें पीनट्स और टूटी फ्रूटी। कोई डिश की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कागज़ में सर्व होता है। तो भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर कमेंट कर देना, और अपना कोई दोस्त जो कच्छ से है तो उसको बोलो कि जब आप जाओ तो आपको यहाँ लेके जाए और ये दाबेली ट्राई करें। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक आप हमें बताएं कि आपके वहाँ की कोई चीज़ है जो हमें आके ट्राई करनी चाहिए।